हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी एक्सप्लेन कहानियां। तो बाय गॉड, मतलब ये अंडरवर्ल्ड की जो दुनिया है ना, इस पे किस पे भरोसा किया जाए, कौन अपना कौन पराया, ये सब कश्मकश जो चल रही है ना हमारी लीना के लाइफ में। तो भाई, ये सुनने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा। तो नया एक वेब सीरीज आया, इसका नाम है फ्यूरीज, जो नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज हुई है, जिसके एपिसोड्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वेट किस बात का कर रहे हो? सुन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल हिंदी एक्सप्लेन कहानियां। तो लीना, मतलब थोड़ा सा एक प्रीवियस रिकैप कर लेते कि पहले जो एपिसोड है उसमें क्या हुआ। तो लीना और फ्यूरी की दोस्ती हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि फ्यूरी जो है ना भाई, वो अंडरवर्ल्ड की कॉप है। मतलब उनके बीच में अगर गैंग वॉर या जो भी हो गया तो वहाँ पे कुछ खून खराबा ना हो और नॉर्मल इंसान बचे रहे, इसलिए फ्यूरी का मेन काम होता है। तो वैसे ही फ्यूरी जो है, सेल्मा, उसकी वो भांजी है, मतलब सेल्मा के भाई द्रिस, द्रिस की बेटी है हमारी लीना। तो ये बात उसको पता चल जाती है, तो उसको थोड़ा सा फ्यूरी के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। लीना का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है एली, जो एक कॉप है, और फिलहाल उसको पता चल गया है कि सेल्मा ने अपने भाई द्रिस को मारा नहीं है, वो किसी एक जेल में कैद है। तो अब देखते हैं आगे। तो आगे ऐसे होता है ना भाई, भाई लीना को ये सब अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे माफियान के बारे में फ्यूरी सब बता देती है, उसकी टीम में वो शामिल हो जाती है। और ना उसको पता चल जाता है यार, ये वर्ल्ड बहुत ही भयंकर है। उसको एक मिनट मिनट का लगता है कि बाय गॉड, मतलब इसमें मैं शामिल ना ही हूँ तो अच्छा है। तो वो अपने जो बॉयफ्रेंड है एली, एली के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन बात कुछ ऐसे हो जाती है। तो जो एक पुलिस की बंदी उसके पीछे पड़ी थी, जो कहती है कि तू मेरी इन्फॉर्मर बन जा, वही बंदी उसी मतलब लीना के बॉयफ्रेंड एली को भाई, मतलब उस पर झूठे चार्जेस डाल देती है कि वो लीना जो है उसके जो गैंग वर्ल्ड से ताल्लुकात है उसमें एली भी शामिल है, और पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल देती है। अब ये सब बातें सुन के लीना को बहुत बुरा लगता है। उसको अब लगता है पहली वाली जिंदगी काफी बेटर थी, एली के साथ ही वो रहना चाहती है। तो लेकिन अब मेन काम ऐसा होता है कि जो एली है वो जेल में बंद है, वो एक कॉप है, और उसके साथ बहुत भयंकर हालत में जेल में डाला जाता है, और वहां के सारे कैदी उस पर अटैक करने लग जाते हैं। तो अब उसको लगता है जैसे तैसे करके एली को बस जेल से छुड़वा ले। तो अब वो एक प्लान बनाती है। उस प्लान में भाई, जो जिस कॉप, जो बंदी है ना भाई, जो पुलिस वाली जिसने एली को अंदर डाला है ना, उसके भाई के साथ वो अफेयर करने का एक नाटक करती है, उसके घर आ जाती है और कहती है अगर तूने एली को बाइज्जत बलि नहीं किया, इस केस से दूर नहीं रखा, तो मैं तेरे भाई के साथ क्या करूंगी, तुझे पता है। ऐसे उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती है। तो जैसे तैसे करके अपने भाई की, मतलब छोटा भाई होता है तो ना समझ होता है, उसको कुछ बताने से अच्छा है लीना की बात सुन ले। तो इसलिए वो कहती है ठीक है, तू बस मेरे भाई को छोड़ दे। यहाँ पे फिर वो मतलब एली जो है ना कॉप, वो बाइज्जत बली हो जाता है। घर पे आने के बाद भाई उससे लीना उसे मिलती है, और वो कहती है बस मुझे कुछ पूछो मत, मैं कहाँ थी, मैंने बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, लेकिन अब मैं मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने जाती हूँ। एली ये बात सुन के खुश हो जाता है, वो दोनों साथ में रहने लगते हैं, दो तीन ऐसे हंसी खुशी में निकल जाते। लेकिन लीना की एक ख्वाहिश होती है, उसको पता चलता है सेल्मा जो उसकी बुआ है उससे, मतलब जो फ्यूरी है, फ्यूरी उसे बताती है तुम्हारे फादर द्रिस जिंदा है, माफिया वर्ल्ड को पता है कि वो मर गए, लेकिन मैंने उसको एक जगह पे कैद करके रखा है। तो अब जो एली है ना भाई, मतलब कॉप, उसको पूरे कैद खाने की, मतलब यार उसके पास एक्सेस होता है। एक दिन उस देख लेती है, कुछ लॉगिन पासवर्ड चेक कर लेती है, तो अब उसे लगता है द्रिस का पता करना होगा, तो एली के लैपटॉप से उसके लॉगिन क्रेडेंशियल यूज करके मुझे ये सारी बातें पता चल जाएगी। तो वो एली जब घर पे नहीं होता है तो अपने बॉयफ्रेंड के लैपटॉप को लेती है, उससे पूरा क्रेडेंशियल लेके द्रिस का पता कर लेती, द्रिस जो उसके फादर है, एक्चुअल में उसके फादर होते हैं, उसका पता, उसका जेल जो भी है वहां पे उसको मिल जाता है। अब वो एली को बिना बताने बता के अपने और फ्यूरी को, मतलब सेल्मा को बिना बताए वहां पे जेल में, उस जेल में जाती है जहां पे द्रिस है। द्रिस को मिलने से पहले उसको दिल में बहुत मतलब हलचल होने लगती है कि अपने फादर को, वो जैसे उसने होश संभाला है वैसे उसको लगता है कि जो जिन पेरेंट्स ने उनको अब तक उसको अब तक संभाला था उन्हीं को अपने पेरेंट्स मानती थी, लेकिन पहली बार वो अपने फादर को मिलने आती है। वो बहुत मतलब दिल में उसके हंसी हंसी गम, कभी खुशी कभी गम का माहौल होता है। जैसे तैसे करके वो अपने फादर को मिलने उस जेल में आती है। फिर फादर उसे पूछते हैं, काफ़ी सवाल जवाब होते हैं, वो कहते हैं तुम तुम्हारी माँ जैसी दिखती हो, और उसको लीना को पूछते हैं तुम कहाँ थी, कैसी थी, बहुत सारे सवाल जवाब होने के बाद भाई जेल की एक हालत होती है ना, वो अजीबोगरीब होती है। लीना का थोड़ा सा शक होने से लगता है, लेकिन फादर को देख के उसको बहुत खुशी भी होती है।
तो दृश्य जो है ना भाई, वो सेल्मा के बारे में कुछ डिटेल्स पूछने लगता है। वो कहता है, तुम पहले कहाँ थी, 2 घंटे पहले कहाँ थी, 4 घंटे पहले कहाँ थी, तो पहले तो कुछ 2-4 दिन कहाँ थी, ये सारी बातें वो उसको अपने फादर को हंसी खुशी बता देती। लेकिन जब वो 2 घंटे पहले कहाँ है, फ्यूरी कहाँ है, सेल्मा कहाँ है, और वो जेल की जो हालत है वो सब देख के उसको थोड़ा सा शक होने लगता है। उसे लगता है यार दाल में कुछ काला ज़रूर है। तो वो सेल्मा एक्चुअल में कहाँ है, ये थोड़ा सा हिंट वो उसे दे देती है दृश्य को। एंड वो एक नज़र में उसको ऐसे होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आगे की कुछ चीज़ें बताने से पहले वो अपने फादर को, मतलब दृश्य को कहती है, क्या ये एक सेटअप है, क्या ये कैदी सही है, क्या ये जो जेल है वो भी झूठा जेल है, क्या सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं। भाई दृश्य ये सब बातें सुन के, लीना की बातें सुन के उनको पता चल जाता है कि भाई अपनी बेटी जो है ना वो बहुत ही मतलब होशियार है। तब वो उसको रियलिटी बताता है। वो कहता है कि बाय गॉड, मतलब सेल्मा जो है वो एक फ्यूरी है और उसने मेरे साथ गद्दारी की है, मुझे बस उसका खून चाहिए, अब मैं उसे मार दूंगा। तो वो उसे आगे, लीना कुछ बात करने से पहले ही अपने सारे जेल वाले एक्टिंग करने वाले लोगों को कहता है, भाई लीना को भाग देना नहीं, बस उसको पकड़ के रखना, मारना नहीं। लेकिन और दृश्य वहां से निकल जाता है। अब उसके मतलब उसके उस पे जुनून सवार होता है एक ही, कि जैसे तैसे करके सेल्मा को मार डाला जाए। तो भाई लीना से जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है टुकड़ों में, उससे वो पता कर लेता है, उसकी तहकीकात बहुत तगड़ी होती है, तो पता कर लेता है सेल्मा कहाँ पे है। एंड वो वहाँ पे पहुँचने ही होता है, तब लीना भाई सेल्मा को बहुत फ़ोन करती है। वो कहती है, मैं दृश्य से मिली हूँ, तुम बस उसे बच के रहना। मीनवाइल भाई लीना एक बार सेल्मा से मिलने गई थी, तो सेल्मा उसे फेक पासपोर्ट देती है और एली के भी फेस, उसके बॉयफ्रेंड के भी फेक पासपोर्ट देती है और उसे कहती है, तुम बस यह इस वर्ल्ड से चले जाओ, ये बहुत भयंकर है, तुम किसी और कंट्री में अपनी नई जिंदगी शुरू कर देना। ये सारी बातें उसको याद आती है। और जब तक वो फ्यूरी के पास पहुंचे, जब तक वो बताए कि दृश्य तुम्हारे पीछे पड़ा है, तब तक भाई दृश्य सेल्मा तक पहुंच जाता है और वो उसे मार देता है। तो फिलहाल के लिए भाई अपनी जो फ्यूरी है, वो माफिया वर्ल्ड की फ्यूरी जो सेल्मा है, जो लीना की बुआ है, दृश्य की जो सिस्टर है, उसको दृश्य ने खुद मार दिया है। तो भाई मतलब अब क्या ही होगा, माफिया वर्ल्ड में फिर से वॉर होगा या नहीं होगा, भाई ये सब देखने के लिए तो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। कहाँ? मेरे चैनल पे, जिसका नाम है हिंदी एक्सप्लेन कहानियां। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बहुत सारी मूवीज देखिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।